100 रुपए का हमारा मकसद यही था कि वो एक रिस्पेक्ट के साथ आए। अज कोसा आंडा आलू 300 रुपए का सालन, बाजार होटल ले जाओ तो 100 रुपए देते पैने। इस महंगाई के दौर में जहाँ पे हर बंदा एक अपना सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो इस दौर में अगर 100 रुपए में अगर किसी को इफ्तारी मिल जाए और इतनी अच्छी इफ्तारी मिल जाए, तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जी एन एन प्लस और मैं हूँ तैयब शहरी। कसूर शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कसूर की सबसे बड़ी शहरी का अहतमाम किया जाता है, जिसमें बकरे का गोश्त, पाए, कोफ्ते, अंडे और स्पेशल देसी घी में तैयार करदा खोए का हलवा आवाम को दिया जाता है सिर्फ 100 रुपये में। 100 रुपये में इतनी आलीशान शहरी करवाई जा रही है। इस आलीशान शहरी का मकसद क्या है और शहरी के मुंतजमीन से जानते हैं कि कब से ये सिलसिला जारी है। आइए, 100 रुपये में शहरी करवाई जा रही है, क्या क्या खाने को मिल रहा है? खाने को पावे मिलते ने, जुबरान पावे ने, अगे पिछे आलू गोश्त से, अज कोसा आंडा आलू 300 रुपए का सालन, बाजार होटल ले जाओ तो 100 रुपए देते पैने। इस महंगाई के दौर में जहाँ पे हर बंदा एक अपना सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो इस दौर में अगर 100 रुपए में अगर किसी को इफ्तारी मिल जाए और इतनी अच्छी इफ्तारी मिल जाए, तो मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। तो अल्लाह ताला उनको अजर दे जो भी कर रहे हैं। इस शहरी का दस्तरखान सजाने वाली शख्सियत जुबैर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, 100 रुपए में लोगों को इतना VIP खाना, क्या वजह है? 100 रुपए, पहले नंबर तो ये बताएं कि 100 रुपए में आप किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भाई असल बात यह है कि ये हमने 4 साल पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया था 30 रुपए में, पेट भर के नाश्ता जी, तो वो सारा साल हमारा चलता रहता है जी। ये हमने 4 साल पहले शुरू किया और अब जो है जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो फिर हम उस ब्रेकफास्ट को अपनी सहरी पे डाइवर्ट कर देते हैं। और सहरी जो है वो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हम अपने अहले शहर के लिए बहुत जो है अच्छा खाना उनको प्रोवाइड करें और बिल्कुल थोड़े से पैसों में, जिससे उनको ये फीलिंग भी ना आए कि वो कोई मुफ्त का कोई खाना खा रहे हैं, उनको ये फील ना हो कि हमारी कोई मदद जो है वो फ्री में की जा रही है। और ये मैं आपको बात डिटेल में बता दूं कि इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कोई ज़कात का पैसा, कोई इसमें सदक़े का पैसा, कोई इसमें फितराना या कोई भी किसी भी किस्म के किसी दूसरे डोनर की इसमें सिंगल पैनी भी नहीं होती। okay. और ये मेरी तरफ से मैसेज है उन लोगों को जो यहाँ से खाना लेके जाते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो बेफिक्र होके लेके जाएं। और ये 100 रुपए का हमारा मकसद और इससे पहले जो ब्रेकफास्ट का हमारा 30 रुपए का मकसद यही था कि वो एक रिस्पेक्ट के साथ आएँ। फ्री की लाइन जो होती है उसमें हमारा जो मिडिल क्लास का बंदा है और एक जो बाइज्जत लोग होते हैं वो फ्री की लाइन में नहीं लगते आके। आप जितना मर्जी उनको कन्विंस कर लें या उनको बुला लें, सफ़ेद पोश इसमें नहीं आते। तो फिर हमने ये एक आइडिया हमारे जहन में आया और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका मेरा मकसद सबसे बड़ा ये है कि शायद मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो हमारी इस एफर्ट को और इस आइडिए को देख के पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में कोई भी दूसरा बंदा ये एक और दिया जला दे। तो मुझे कोई इसमें ये शौक नहीं है कि मैं इसको एडवर्टाइज़ करूं या इसको जो मैं लोगों को बताऊं कि ये हम कर रहे हैं। आपको सिर्फ इंटरव्यू देने और इंगेज करने का यही मकसद है कि वो कसूर में ये एक हमने नया जो कंसेप्ट दिया है इसको लेके लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये बड़े शहर हैं हमारे इस्लामाबाद, तो वहाँ पे मुहैया हजरात जो हैं कोई वहाँ पे शुरू कर दे। और दूसरी बात ये है कि हम ये मैं हमारी अफीरा ज़ुबैर फाउंडेशन की तरफ से पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा भी अगर हमसे किसी किस्म की हेल्प लेना चाहे और वो अपनी ये सारी जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहे तो हम फी सबीलिल्लाह उसके पास जाके उसको हेल्प आउट करने के लिए भी तैयार हैं। कितने लोगों की शहरी करवा रहे हैं? मध्य पक्षी मेडली जी को 3000 लोगों की हमारी सहरी हो रही है और हमारी इफ्तारी जो है वो 2 जगह पे हो रही है। एक हमारी ये साथ वाली मस्जिद में हो रही है,
और वहाँ पे हमारी अप्रॉक्सीमेटली कोई 1000 बंदा होता है जी। और दूसरी हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर के अंदर, हम वहाँ पे 1700 लोगों की पुलिस एहलकार और कैदियों की 1700 लोगों की डेली इफ्तारी वहाँ पे हम करवा रहे हैं। और पंजाब की तारीख में मुझे सुप्रिंटेंडेंट साहब बता रहे थे कि ये पंजाब की तारीख में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा महीना पूरी जेल को खाना दिया। इस सारे मिशन के पीछे मोटिवेशन क्या थी, इंस्पायरेशन क्या थी कि इस काम को शुरू करना है? पिछले कोरोना के अंदर जिस तरह से लोगों के हालात, उनके बिजनेसेस और बड़ी परेशानियां थी, तो हमने फिर वो कोरोना से हमने स्टार्ट लिया था कि हम जो है वो लोगों को इस तरीके से हेल्प करें कि उनको ये फील भी ना हो कि उनकी हेल्प हो रही है। और उसके बाद मीनवाइल कोई 2 साल पहले, ये पहले हम इसको, इस फाउंडेशन का नाम ज़ुबैर खान फाउंडेशन था, तो फिर 2 साल पहले मेरी 12 साल की बेटी थी, उनको ब्लड कैंसर हो गया, वो अल्लाह की रजा से अल्लाह के पास, अल्लाह ने उसको वापस बुला लिया। तो फिर उसके बाद मैंने इस काम को बढ़ाया है, स्टार्ट मैंने 4 साल पहले किया था जी। मकसद क्या, करना क्या चाहते हैं? थोड़ी सी इंसानी लाइफ है, करना यही चाहते हैं कि अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें। इसके साथ साथ हमारी फाउंडेशन जो है वो सफ़ेद मोती की फ्री सर्जरी करवा रही है, ये 5-6 माह से हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। और उसके साथ हम कसूर में, मैं एक आईटी एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ जिससे हमारे बेरोज़गार नौजवानों को जो है कोई स्किल मिल सके, उनको हम कोई उनको को आईटी रिलेटेड, उनको कोई हम शॉर्ट कोर्सेज और उनको हम इक्विप्ड कर दें, उनको हम लैपटॉप और बाकी इंटरनेट की सर्विसेज, ये हम उनको सहूलतें प्रोवाइड कर दें फ्री में, जिससे हमारी सोसाइटी, हमारे शहर और हमारे देश में बेरोज़गारी में कमी आए। क्या रिस्पॉन्स क्या आता है लोगों को देख, इस तरह से देख कर उनकी खिदमत करके दिल को इत्मीनान में पहुँचता है? नहीं नहीं क्यों नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ काम है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, अगर आप इज़्ज़त लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो अगर आप जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ आप देना शुरू कर दें। तो अगर आप सुकून लेना चाहते हैं तो सुकून देना शुरू कर दें, तो आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो ये है कि लोगों का तो जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ी दुआएँ हैं जी हमारे साथ।